भाई मेला हो गया या आज है? आज मेला है, आज लास्ट मेला है। कितना मेला होता है? चार दिन माशाल्लाह। फाइनली दरगाह शरीफ आ चुकी है और कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं, ये रोजा है माशाल्लाह। कमेंट जरूर कीजिए। तो भाई साहब शहनशाह सौराष्ट्र हजरत ख्वाजा मुहम्मदीन शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मज़ार पाक आप देख सकते हैं, और इनका जिस्म मुबारक दफनाया गया है। तो आप लोग पाकिस्तान से धोराजी की सर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। अभी हम मौजूद है धोराजी में। तो भाई साहब ये आप देख सकते हैं पुराना बाजार, बिल्कुल खंडर हालत में आप देख सकते हैं। अभी भी मत इमारतें खड़ी है आप देख सकते हैं। और इकबाल भाई बताओ कैसा लग रहा है धोराजी में आगे? बोलो तुम यार, वीडियो चालू करते तुम धर्माते बोलो बोलो कुछ बोलो। तुम्हारा न्यूज़ में आएगा पूरा, तुम्हारा न्यूज़ बोले तो। चलो भाई साहब ये बंदा थोड़ा नर्वस हो गया, तुम आ जाओ। हाँ भाई, हाँ ये बंदा बात करेगा, बाकी देखो गर्म है। अनिल भाई अभी हम कहाँ है? अभी धोराजी में हम। हाँ वेरी गुड। और अरुण भाई सामने भी दरगाह भी है, कैसा लग रहा है? ये देखो भाई साहब गॉगल्स वॉगल्स लगा के देखो, पुरानी बिल्डिंग है, हीरो लगा हुआ है भाई यहाँ। एक बार आने जैसा है, यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग लगी हुई है। बिल्कुल वो भी दिखा दूँ, तरफ आगे कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल काठी और आ गया है भाई साहब, आपने देखा मतलब पुराना शहर है भाई साहब धोराजी। अगर आप आना चाहते हैं तो राजकोट से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर आप आ सकते हैं। हाजी साहब बढ़िए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप जो भी बोलो ना हिंदी में बोलो, ठीक है, कच्ची में बात मत करो, जो सी भी आती है। ठीक है यहाँ पर भाई साहब उर्स जैसा माहौल लग रहा है, किस्मत वाले ना, किस्मत अजय साहब किस्मत वाले हैं, उर्स जैसा माहौल यहाँ पर, उर्स ही ऐसा लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर भाई साहब तो भाई साहब यहाँ पर कल मेला लगा था या फिर आज लगने वाला है पता नहीं, यहाँ पर आगे चल के किसी से पूछते हैं। ठीक है, चिंता ना चौखा जिंदगी। तो चलिए भाई साहब यहाँ पर एक भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं हम, ठीक है, कि उर्स हो गया है या फिर आज होने वाला है? तो अस्सलाम वालेकुम भाई, मेला हो गया है या आज है? आज मेला है, आज लास्ट मेला है। कितना मेला होता है? चार दिन शुक्रिया भाई। हाँ जी, तो भाई साहब 4 दिन के लिए यहाँ पर मेला लगता है उर्स मुबारक में, ठीक है, तो आज लास्ट मेला है भाई साहब। तो हम नसीब वाले थे कि यहाँ पहुँचाए और ये जो आखिरी दिन है जो मेले का उर्स का है माशाल्लाह। फाइनली दरगाह शरीफ आ चुकी है और कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं, ये रोज़ा है माशाल्लाह। कमेंट जरूर कीजिए। माशाल्लाह हाजी साहब देखिए दरगाह शरीफ पहले दीदार कीजिए। चलो इकबाल भाई फूल ले लेते इकबाल। तो भाई साहब शहनशाह सौराष्ट्र हजरत ख्वाजा मुहम्मदीन शेरानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मज़ार पाक आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह। ये मज़ार पाक यहाँ पर, और यहाँ पर मस्जिद भी है, मस्जिद हज़रत ख्वाजा मुहम्मदीन शेरानी। तो ये मस्जिद है और यहाँ पर आपके ख़ानदान के कुछ आप देख सकते हैं मज़ारात है, और यहाँ पर वज़ू खाना है जिसे हम हौज़ बोलते हैं, ठीक है, तो वज़ू खाना भी दिखा देता हूँ। तो वज़ू खाने के अंदर मछलियाँ भी है, ये आप देख सकते हैं, ये रही देखिए, ये आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं।
हनीम भाई बहुत बड़ी बड़ी है, देखिए कौन बन गया सबको कोरोना में जाओ पीते हुए ये अच्छा जी है हां पहले वोट दिए आए चक्को जी चक्को जी भाई साहब यहाँ से आप गेट देख सकते हैं दोरा जी का पुराना गेट। तो भाई साहब मेले का आखिरी दिन है और सुबह सुबह हम घूम रहे हैं, इसी वजह से अभी आपको भीड़ भाड़ कुछ दिख नहीं रही है, अंदर नहीं जाना है। तो चले भाई साहब अंदर एक चक्कर लगाते हैं। कहाँ पान कहाँ है हाजी साहब? पान तो बोलो आ जाएगा। आ जाएगा। तो भाई साहब ये है दोरा जी का, आप देख सकते हैं पुराना जो काम आप कह सकते हैं इसको। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जब वफात हुई तो यहाँ पर दोरा जी के अंदर जो राजा है उन्होंने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को दफन किया, और उसके बाद जब आपके परिवार वालों को पाकिस्तान सिंध के अंदर पता चला कि यहाँ पर हज़रत ख्वाजा मोहम्मदीन शेरानी का इंतकाल हो गया है और यहीं पर इनका जिस्म मुबारक दफनाया गया है, तो आप लोग पाकिस्तान से दोरा जी की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर दोरा जी में आकर आपने राजा से कहा कि हम जिस मुबारक को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं, तो आपके घर वालों ने जो जिस मुबारक था वो पाकिस्तान लेकर गए, और यहाँ पर जो राजा था वो मायूस हुआ कि यहाँ से जिस मुबारक ले गए तो राजा को हज़रत ख्वाजा महमूदीन शेरानी ख्वाब में आए और कहा कि तुम मायूस ना हो, मैं यहीं पर भी हूँ, यानी कि मैं दोरा जी में भी हूँ और मैं सिंध पाकिस्तान में भी हूँ। तो आपके जो आस्थाने हैं वो दो है, एक दोरा जी में है और एक है सिंध पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये थी इनकी करामत, और जब दोस्तों राजा का सपना जो आया और जब आँख खुली तब राजा ने यहाँ पर मज़ार पाक पर आकर देखा कि मज़ार पाक के अंदर देखा कि आपका जिस्म मुबारक यहाँ पर मौजूद है, हालांकि पाकिस्तान से उनके घर वाले उसको लेके गए थे फिर भी यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से कहा जाता है कि आपके दो आस्थान हैं। दोस्तों ये होती है बलियों की शान। तो यहाँ पर हमारी हाजिरी दोस्तों पूरी हुई और हमारा जो वीडियो है मैं उसको यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद।